नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम दिल की बात में हमारे खास मेहमान हैं बोलो रामदास जी, अभिनेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्ते सर, आपकी पिक्चर आ रही है, उसका नाम क्या है, पिक्चर की डेफिनेशन क्या है दो लाइन में, और आपके किरदार के बारे में जितना आप बता सकते हैं ताकि लोगों की दिलचस्पी बनी रहे, तो सब कुछ जानेंगे आपसे। तो शुरू करते हैं सर। पहले तो मैं नवभारत टाइम्स को और संजय मिश्रा जी आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे आपका मंच प्रदान किया ताकि मैं दो बातें आपसे शेयर कर सकूं। जी हाँ, 6 नवंबर को मेरी फिल्म पेपर चिकन, जिसका नाम है पेपर चिकन, ये डिश का नाम नहीं है, ये फिल्म का नाम है, जिसे निर्देशक निर्देशन किया है रतनशील शर्मा ने, और मैंने इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया है प्रथमेश का। तो ये फिल्म जो है ये काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, और ये फिल्म है एक सस्पेंस थ्रिलर जो मतलब इर्द-गिर्द एक लड़की है जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, जिसका किरदार निभा रही है दीपान्विता शर्मा, और मैं हूँ दशमेश, जो कैरेक्टर नाम मेरा दशमेश, और जो अपने दीपान्विता शर्मा, ये दो किरदार के ऊपर ये इर्द-गिर्द फिल्म रची हुई है जो कि सस्पेंस थ्रिलर है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, हर मोड़ पे एक नया सस्पेंस फिल्म में दिखाई देगा, जो कि रिलीज होने जा रही है शिमारो मी में 6 नवंबर को, और इसकी जो बुकिंग डिटेल है ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी, जो आप टिकट बुक कर सकते हो बुक माई शो के थ्रू। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। दैट्स इट। फिल्म का जो नाम है उसको लेकर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक्टर्स का कितना दखल होता है, और जब फिल्म में आप लीड भूमिका निभा रहे हैं, तो जब ये नाम आपके पास आया पेपर चिकन, बड़ा दिलचस्पी है, और कई बार लगता है क्या लोगों को अपील करेगा उस तरीके से, ये तो किसी डिश का नाम लग रहा है, तो नाम को लेकर किस तरह की डिस्कशन हो रही थी आपके डायरेक्टर के साथ? जब ये फिल्म जब मुझे एक बार मुझे याद है जब मैंने एक असमीज फिल्म की थी जिसका नाम था अंतरिम, और वो जब असम में रिलीज हुई थी, तब रतनशील शर्मा जो हमारे डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने वो फिल्म देखी थी। देखने के बाद वो काफी इम्प्रेस हुए थे मेरे काम से, और उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ जो कि हिंदी में होगा, हम लोग हिंदी में बनाएंगे लेकिन असम में बनाएंगे, पूरी टीम जो है असम की होगी, और मैं बहुत ही जल्द वो स्क्रिप्ट आपके सामने लाके दूंगा, आप पढ़ना, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे साथ काम करिए। तो बस इतना ही बात हुआ, कट टू एक साल बाद उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तब तक इस फिल्म के नाम के बारे में हमने सोचा नहीं, मतलब डायरेक्टर सर ने भी अनटाइटल रखा हुआ था। बस शूटिंग के कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नाम जो है इंटरेस्टिंग सा नाम एक आया कि हम लोग क्या रखे इस नाम को, क्या रखे, दो तीन नाम आया था, जो मेरा कैरेक्टर है उसके नाम पे भी आया था दशमेश के नाम पे, फिर सोचा कि कुछ और एक नाम रखो, फिर इस एक फिल्म का एक अहम हिस्सा है चिकन, मतलब पेपर चिकन जो डिश है वो, तो बड़ा जो नॉनवेज खाते हैं तो उन लोग को बड़ा पसंदीदा ये डिश होती है चिकन का, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि पेपर चिकन का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा सा टैंगी, थोड़ा उसमें चिकन, तो वैरायटी ऑफ टेस्ट होता है उसमें। तो इस नाम को जब डायरेक्टर सर ने मेरे सामने रखा कि इस नाम फिल्म अगर इस नाम पे रख दिया जाए तो कैसा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, बहुत यूनिक साउंड कर रहा है, तो हमने फाइनली जब शूटिंग से 2-3 दिन पहले ही ये नाम रखा पेपर चिकन। तो मतलब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके 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 लिए असमंजस वाली स्थिति है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि फिल्म में सिर्फ नॉनवेज ही नहीं, मतलब वो डिश ही बनाया नहीं दिखा जा रहा, उसमें उस फिल्म में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी, शायद नाम का ही छूट जाएगा, फिल्म का जो असर है वो रह जाएगा बिकॉज ऑफ इस कंटेंट।
अच्छा मैं आपको बताता हूँ जो मैं जज कर रहा था ट्रेलर देखने के बाद, एक तो पूरी ट्रेलर में आपको बहुत मस्त डायलॉग और आपका आपको जो लुक और डायलॉग के साथ आपका जो जो एक्टिंग आपको मैंने देखा ट्रेलर पे, जो आपको हर बार मतलब एक कुछ किरदार कह रहा है, आपकी आंखें कह रही हैं, अगर वो चुप भी है और कुछ कह रहा है तो कुछ कह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है पेपर चिकन की वजह से ही वो अपराधी पकड़ा जाता है। हमने खोल दिया रहा। तो ये मैंने जज किया, सस्पेंस है। तो ये मैं बहुत सोच रहा था पेपर चिकन नाम क्यों है, तब आया। तो ये हो गई आपकी फिल्म की बात, और आपने जितना बताना था क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर है, इस पे अगर ज्यादा हम कहानी को रिवील करें हाँ बोल नहीं सकते हैं। इस फिल्म को करने की वजह भी आपने बता दी है, क्योंकि एक पूरा आसाम के लोगों ने मिलकर इस फिल्म को बनाई है, एक्टर वहीं के हैं, डायरेक्टर वहीं के हैं, है ना। और जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद असम में बनी हुई, असमी लोगों से बनी हुई ये पहली हिंदी फुल फ्लेज्ड फिल्म है जो एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म में रिलीज होने जा रही है, तो हमारे लिए पूरे आसाम के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। असम से याद आया कि नॉर्थ ईस्ट में एक तो आसाम की फिल्म इंडस्ट्री है, असमिया जी जी, और कहाँ कहाँ की सर, क्या गुवाहाटी मेघालय वगैरह में फिल्में कम बनती, क्योंकि मैं एक बार गोवा फिल्म फेस्टिवल में जब गया था तो त्रिपुरा या मेघालय से एक फिल्म आई थी और उन्होंने ये दावा किया था कि वहां की पहली फिल्म है जो बनाई गई है उस पूरी भाषा में, तो वहां के लोगों ने यहाँ पे एक एक झांकी जैसा वो शो किया था कि हम वहां का। तो नॉर्थ ईस्ट में फिल्मों का कल्चर कैसा है, कौन कौन सी भाषाओं में फिल्में वहां पे बनती हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट को ऐसे देखते हैं जैसे कि साउथ कहते थे तो जब हमें बहुत साउथ का ज्ञान नहीं था तो सारे के सारे मद्रासी होते थे, और जब हम असम कहते हैं कि सारे के सारे असमियाज होते हैं, है ना। तो हम वहां की फिल्म इंडस्ट्री को आपसे समझना चाहते हैं। Okay, अगर मैं आपको हिंदी मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलूं, मतलब इंडिया में पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, बिल्कुल वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके बावजूद अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हमारी असमिस फिल्म का कल्चर बहुत पुरानी है। मतलब आप अगर मतलब इंडिपेंडेंस से पहले से वहां वहां फिल्म बनाई जा रही है, तो उस हिसाब से असमिस फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। उसके साथ साथ अरुणाचल में, मेघालय में, नागालैंड में और इस तरह के सारे लगभग सारे स्टेट्स में फिल्म बनाई जा रही है, लेकिन फिल्मों की मात्रा कम है। मतलब फिल्मों एक साल में 4-5 फिल्में बन रही है ऐसा, बट असम में असमिस फिल्म के अलावा भी यहाँ भी यहाँ हिंदी फिल्म बनाई जा रही है, या यहाँ से बॉलीवुड से जाके वहां पे फिल्म शूट किए जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हो एक फिल्म इंडस्ट्री, प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री एक वहां है जिसको शायद जॉलीवुड के नाम पे भी जाना जाता है। अभी आजकल बॉलीवुड टॉलीवुड ऐसा करके नाम दिया जा रहा है, तो उसमें जॉलीवुड भी एक फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे वहां पे प्रचलित है। सर, और सर जॉलीवुड क्यों है, जॉलीवुड क्यों है नाम जॉली क्यों, जॉलीवुड मुझे इसके बैकग्राउंड का उससे पता नहीं है कि जॉलीवुड नाम कैसे पड़ा, लेकिन जैसे मतलब नाम पढ़ते पढ़ते उन्होंने शायद एक नाम सोचा और इसको रखा, इसके बैकग्राउंड में कुछ तो इतिहास होगा पर मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी है नहीं। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है उस इंडस्ट्री में। यस, और बहुत सारी बेहतरीन फिल्में बन रही है। जैसे अगर लास्ट ईयर आपको पता होगा कि ऑस्कर के लिए भी जो असमिस फिल्म नॉमिनेट हुई थी, माने इंडिया की तरफ से, वो भी एक असमिस फिल्म थी, विलेज ऑफ स्टार, जिसे रीमा दास ने डायरेक्ट किया। रीमा दास ने थी। जी जी, उस फिल्म को क्या क्या मतलब नेशनल लेवल पे तो मिल गया था, वो ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था उनको ऑस्कर के लिए। ओके। अब वहां के कलाकारों के बारे में समझते हैं। असम के कलाकारों को हम कई सारे लोग हैं, लेकिन हम हमेशा जैसे सीमा विश्वास को लोग नहीं जानते कि वो गुवाहाटी असम से हैं, ऐसे। तो
मेरे को ये भी समझाइए कि वहां के कौन कौन से बड़े कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है, और इन दिनों तो बहुत भीड़ है, आसाम से खूब सारे कलाकार और एक्टर्स आ रहे हैं, आप भी हैं, आप पिछले एक दशक से लगभग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहां के एक्टर्स के बारे में बताइए। जैसे मैं अगर बहुत पुराने कलाकार पे जाऊं जो एफटीआई से ग्रेजुएट होकर आसाम में काम किए, कुछ कुछ काम उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में भी किया है, तो उनमें से नाम आता है निपुण गोस्वामी जी का, बिजू फुकन जी का, प्रांजल सैकिया जी का। इन लोगों के बाद अगर प्रॉपर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आके किसी ने काम किया तो सबसे पहले था सीमा विश्वास जी, जो फुल फ्लेज्ड आके काम किया, उन्होंने नेशनल अवार्ड भी लिए, और उनका काम सिर्फ हमने आसाम और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया उनके बैंडेड क्वीन के परफॉर्मेंस के वजह से। उसके बाद आदिल हुसैन जी जो मेरे सर भी रहे एनएसडी में, उन्होंने मुझे काफी सिखाया एक्टिंग के बारे में, एनएसडी में कुछ काफी क्लासेस हमने साथ में किया। उनके बाद बहुत सारे कलाकार जो अभी उस कैटेगरी में है, जो उस लाइनअप पे है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो लोग इंस्पायर करते हम लोगों के भाषा कल्चर कोई लिमिटेशन नहीं होती है किसी भी एक्टर के लिए, अगर आप मेहनत करो तो आप आगे बढ़ सकते हो, और ये इंडस्ट्री सबको लेने के लिए तैयार है, खाली आप डेडिकेशन और अपनी ऑनेस्टी से, अपने हार्ड वर्किंग से काम करो। तो उस हिसाब से आदिल सर और सीमा विश्वास हमारे लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है हम ऑल नॉर्थ ईस्ट एक्टर्स के लिए, क्योंकि भाषा कल्चर उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहा कभी भी, आज वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट का, बड़े बड़े फिल्मों के हिस्सा है। तो हम भी उसी कगार में खड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे काम को भी उतना ही सराहा जाएगा जिस तरीके से उन लोगों के कामों को सराहा गया। जी बिल्कुल सराहा जाएगा, आप तो एनएसडी से आए हैं और एनएसडी से जो एक्टर्स आते हैं उनको मतलब थिएटर जगत में और फिल्म में बड़ा मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनके सामने कई सुपरस्टार ठहर नहीं पाते शूटिंग के दौरान, तो वो तो बात है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, विशाल भारद्वाज के साथ आपने काम किया, मतलब अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छी टीम के साथ आपने काम किया, इरफान खान के साथ आपको काम करने का मौका दो बार मिला, आपने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया एड में, यू नो मैं आपका फिल्मी सफर जानना चाहता हूँ, और कब आए थे आप मुंबई, आपने शुरुआत कब की थी एक्टिंग की? जी 2009 में जब मैं एनएसडी से ग्रेजुएट हुआ, कुछ महीने के लिए मैं रेपेटरी कंपनी में था, उसी दौरान किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक विस क्राफ्ट ने एक नई जगह इन्वेंट किया जहाँ पे एक म्यूजिकल प्ले वो शुरू करने जा रहे थे, वहां मैंने ऑडिशन दिया और मुझे वो काम मिल गया। तो बतौर अभिनेता मैंने वहाँ 250 काम किया, 800 शो किया मैं जंगूरा नामक प्ले में, जो एक म्यूजिकल प्ले था जहाँ बड़े कलाकार हुसैन हजरवाला, गौहर खान, कश्मीरा ईरानी, मेरे बैचमेट विक्रम कोचर, ये लोग साथ में थे और हमने खूब अच्छा टाइम बिताया वहाँ 2.5 साल। उसके बाद 2013 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया क्योंकि एक मोनोटोनी सी आ गई थी, उसके बाद अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने का मन था, क्योंकि 3 साल में जो एनएसडी में ट्रेनिंग लिया था उसका भी एक था कि उस कुछ नया करूँ, कुछ चैलेंजिंग करूँ, एक सिक्योरिटी मोड पे चला गया था केओडी के दौरान, तो इसी सोच को रखते हुए कि नया कुछ काम करना है, इसलिए 2013 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। बॉम्बे आते ही एज एन एक्टर आपको कोई जानता नहीं था मुझे खासकर, क्योंकि मैंने उस तरीके से कोई फिल्मों में या एड में कोई काम नहीं किया था, तो रेगुलर जैसे यहाँ ऑडिशन होते हैं वहां ऑडिशन देना शुरू किया, और धीरे 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 टाइम लगा बट रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि मेरे पास एक ट्रेनिंग थी तो मैं उस बात को लेकर बड़ा ही कॉन्फिडेंस था कि कुछ करूंगा और कोशिश करूंगा, बाकी रिजल्ट तो देखी जाएगी जो भी होगा। तो मैंने कोशिश की और दिन ब दिन कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते गए, मैंने कुछ अच्छा काम किया धीरे धीरे, और कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे विशाल भारद्वाज सर हो या मीरा नैयर हो, इन लोगों के साथ काम करने को मौका मिला, और आज ये मेरे लीड एक्टर के रोल पे ये मेरी पहली फिल्म है जो 6 नवंबर को रिलीज होने जाने वाली है। क्या बात है, बधाई हो आपको इस बात की, आपकी दो फिल्में हैं जिन्हें आप लीड कर रहे हैं, एक रिलीज हो रही है शिमारू में जो आपने बताया है, और दूसरी रिलीज हो रही है सोनी लिव में, दोनों फिल्मों की बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए
आपके नाम के बारे में जानना चाहता हूँ कि बलराम दास बोलो राम दास कैसे बन गए? बोलो राम दास नहीं है, बोलो राम दास है एक्चुअली। I am from Assam, so वहाँ पे मेरे नाम को प्रोनाउंस इस तरह से बोलोराम या बोलूराम ऐसे बुलाया जाता है। तो इस तरीके से मेरा नाम का मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि मैं आके बॉम्बे में कभी हिंदी बेल्ट में आके काम करूंगा तो मेरा नाम के वजह से कंफ्यूजन पैदा होगा वॉट एवर। तो मेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन BOLORAM बोलोराम ऐसे रह गया। तो यहाँ जब लोग इस नाम को स्पेल करते तो लोगों को लगता है बोलो राम, सो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट हिंदी में इसका अर्थ बलराम है, कृष्ण जी का बड़ा भाई, तो बलराम मेरा नाम है। तो धीरे धीरे मैंने सोचा है शायद इसको बदल के ऑन स्क्रीन बलराम कर दूंगा, देखते देखते कैसा लोगों को लगता है। कि इस बारे में मैं सलाह मशवरा लेता रहता हूं लोगों से कि बलराम ठीक रहेगा कि बोलोराम ही ठीक रहेगा। बहुत लोगों को बोलोराम अच्छा लगता है, बोला बड़ा यूनिक नाम है, याद रह जाता है। हाँ। तो ऐसा बहुत यूनिक नाम है, सफर तो ऐसे ही रहे। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, अगर आपके बारे में मैं खबर लिखूं तो मैं बलराम लिखूं कि बोलोराम लिखूं? देखिए जिस तरीके से मेरा सफर रहा है बोलोराम दास नाम के थ्रू, मैं तो चाहूंगा उम्र भर में इसी नाम से जाना जाऊं। क्या बात। लेकिन मेरा काम इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा नाम होगा। तो तब मैं बोलोराम रखू बलराम रखू कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क काम नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट है। हाँ फिर भी नाम मेरा बोलोराम दास ही मुझे पसंद है, लेकिन शायद लोगों के कंफ्यूजन की वजह से मैं बलराम लिखना शुरू कर। जी जी अच्छा बीते जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हर इंडस्ट्री में, दुनिया भर में, देश में, मुंबई में भी और बॉलीवुड में भी। तो हम बॉलीवुड के हैं इसलिए हम बॉलीवुड की बात करते हैं, लेकिन दुनिया भर सफर किया कोरोना की महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर को अलग तरह का नुकसान हुआ, लेकिन बॉलीवुड में हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया। हम मैं बॉलीवुड नहीं कहूंगा, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को खो दिया। कुछ फिल्म बनाने वाले बंगाल के थे, वहां अब वो हमारे बीच नहीं रहे, कुछ साउथ के थे और कुछ बॉलीवुड के थे, पंजाब के हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने कई लोगों को खो दिया। इसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत की भी हमारे बीच नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ये बड़ी टॉक्सिक बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि उनकी उनके निधन को बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर के साथ देखा जा रहा है। अब तक हमें नहीं पता कि क्या उन्होंने आत्महत्या की है, क्या उनका मर्डर हुआ है या क्या हुआ है। इस बीच बहुत सारे नाम इंडस्ट्री के लोगों के नाम उनकी मौत के साथ जुड़ते चले गए कि इनकी वजह से, सलमान खान की वजह से, करण जौहर की वजह से, आदित्य चोपड़ा की वजह से, संजय लीला भंसाली की वजह से। कई बार ऐसा लगा कि इंडस्ट्री के लोग इस तरीके से काम करते हैं कि किसी को इतनी तकलीफ हो जाती है कि वो अपनी जान दे देता है। उसके बाद फिर जब उसमें आगे परत दर परत जांच हुई तो पता चला कि यहाँ पे ड्रग्स भी बहुत होता है और तमाम बड़े सितारे एनसीबी द्वारा एनसीबी के ऑफिस में बुलाए गए और ड्रग्स की जांच हुई। तो और उसके बाद इसी बीच कई सारी ये भी बात हुई कि यहाँ पे यौन शोषण होता है, यहाँ पर कास्टिंग काउच होता है और कई सारी पुरानी बातें मीटू की भी इसी साथ में आई। आउटसाइडर इनसाइडर की बात का बहस भी इसी समय शुरू हुआ और बहुत सारी और भी बातें, कई चीजें मेरे दिमाग में इस समय नहीं है, लेकिन 7 महीनों में इतनी टॉक्सिक बातचीत हुई है, इतनी जहरीली बातें हुई है कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड बदनाम हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे? जी देखिए ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि एक इंडस्ट्री की एक गरिमा होती है, एक पहचान होती है, उसकी एक मतलब उसकी एक पहचान है दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बॉलीवुड का या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक पहचान है। अगर आप सत्यजीत रे जी की फिल्में ले, ऋतिक घटक जी की फिल्में ले, या हमारे नॉर्थ ईस्ट के जानू बरुआ है, इनकी फिल्मों के वजह से, या जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हुए, साउथ के हो, पंजाब के हो, उड़ीसा से हो, या ये जो फिल्म इंडस्ट्री है इसकी एक हिस्ट्री है, ये अपने आप में एक
बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको लेके हम गर्व करते हैं, जिसकी फिल्मों को लेके हम गर्व करते हैं और बाहर में उसके लिए हम जाने जाते हैं। ऐसे में जब इस इंडस्ट्री को इस तरीके के क्वेश्चन मार्क दिए जाते हैं तो हम जैसे जो लोग हैं जो बहुत ही अपने क्या बोले उसको डेडिकेशन से या ऑनेस्टी से या हार्ड वर्क से इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा सा थोड़ा हिल जाते हैं या डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ अगर यहाँ बोल के नहीं, इस इंडस्ट्री में बोल के नहीं, हर सेक्टर में आप पत्रकारिता में है आप जानते होंगे कि पत्रकारिता में भी बहुत सारी चीजें चलती है, अच्छी बुरी दोनों चीजें। तो ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में ये सब चीजें होती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे गलत है लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी है जिसकी वजह से ये 100 ईयर सेलिब्रेशन कर रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म इंडस्ट्री जो 100 साल पुरानी है उसमें सिर्फ यही बुरी चीजें हैं जो इस फिल्म को इतना फिल्म इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर रहा है, इसकी अच्छाई कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी अच्छाई को भी देखा जाए, उनकी अच्छाई को भी गिना जाए। और जहां तक रही ये सब बुरी बुरी चीजों की बात, मतलब अगर ड्रग्स है तो उस किस लिमिट पे है, किस पैमाने पे, उसकी अगर गलत इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ रहा है तो उसका कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको कैसे एक ऐसे नियम पे बांधा जाए ताकि उस चीज का खामियाजा जो हम जैसे या हमारे जैसे अनेकों लाखों लोग है जो इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है या जुड़े हुए हैं उनको इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि ये इंडस्ट्री है, ये फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें से लाखों लोगों के घर चल रहे हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें बोलने से पहले मुझे भी जानकारी होनी चाहिए कि सच में क्या ड्रग्स ले रहे हैं, किस पैमाने पे ले रहे हैं। कि मैं अब उस सर्कल पे गया नहीं, जब तक मैं खुद अपने आंखों से ना देखूं मैं कुछ भी बोलूं वो गलत होगा। तो इसीलिए मैं अपने से ये चाहूंगा कि देखो मेरा यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है, मैं अपने मेहनत से जो भी मैं कर पाया हूँ अपने मेहनत से कर पाया, तो जो कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ माय क्राफ्ट, बिकॉज ऑफ माय टैलेंट, नहीं तो मुझे तो यहाँ कोई पूछता नहीं। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे दो बातें पूछ रहे हो आज, मेरी सौभाग्य है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज, लेकिन ये किस किसके वजह से, मेरे टैलेंट, मेरे क्राफ्ट, मेरी पढ़ाई लिखाई उसके वजह से, ना कि मैं नशा करता हूँ ना कुछ। आप मेरे बारे में जान सकते हो कि मैं एनएसडी से पास आउट हूँ, लोगों के अंदर ये भ्रम एनएसडी से होगा तो पीता होगा या नशा करता होगा, लेकिन ऐसी मेरे अंदर कोई आदत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ मैं और इस इंडस्ट्री से भी खुश हूँ। हाँ, अगर कुछ चीजें इसके अंदर गलत चल रही है तो उसके ऊपर कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए ताकि ये सब बुरी चीजें इस सुंदर सी इंडस्ट्री को कोई एम्पर ना करे। इसकी एक गरिमा है, इसकी एक इसकी एक पहचान जो हमेशा अटूट रखे। बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने, बहुत बड़े डायरेक्टरों ने अपना मेहनत दिया हुआ है, अपनी श्रम दिए हुए इस इंडस्ट्री को, तो उसको बेकार नहीं जानी चाहिए, उस पर धब्बा नहीं लगना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इस बातचीत में एक बात ये भी आपने कही कि एनएसडी से होगा तो ड्रग्स करता होगा, मतलब नशा करता होगा। नहीं नहीं, ड्रग्स नशा, हाँ मैं अपने बैच के बारे में जानता हूँ, मैं 2009 पास आउट हूँ, मेरे बैच में कोई एक ऐसा मेरा बैचमेट नहीं जो वहाँ एनएसडी में जाके नशा करता था या इस तरीके से कुछ ही एक्टिविटीज में शामिल था। ये भ्रम है, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजें है। मेरी संस्था क्यों, है, क्यों, से क्यों, क्यों, क्यों कहा जाता है एनएसडी से होगा तो नशा करता होगा, और क्या नशा होता है वहां पे, क्या होता था? नशा नहीं, मैं बोलूंगा क्या होता है, आप जब एक क्राफ्ट को सीखते हो तो आप हर तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हो अपने साथ के नशा। अगर मैं कोई एडिक्टेड पर्सन का काम करूंगा, मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, तो मैंने भी सिगरेट पिया और होली में मैंने भी भांग पिया था, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं नशेरी बन गया। मैं अपने क्राफ्ट को समझने के लिए अगर थोड़ा सा नशे के बारे में जानने के लिए वो चीज कर रहा हूँ तो वो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। लेकिन उसको आप आदत बना के उसको एडिक्शन में कन्वर्ट कर दो, वो गलत है। और नशा
नशा किस लेवल पे कर रहे हो आप। सिगरेट पीना भी तो नशा है, पान खाना भी तो नशा है, चाय पीना भी एक नशा है। तो नशे की आदत किस हद तक है ये है। और एनएसडी जैसी संस्था ना कभी नशा को प्रमोट करता है ना करेगा, ये गलत धारणा है लोगों में। मतलब हाँ, क्योंकि वो वैसे थोड़ा दाढ़ी बना के रहते हैं, थोड़ा बाबा जी टाइप से रहते हैं लोग अपने कैरेक्टर में घुस के, तो लोगों को लगता है ये नशेरी गंजेरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है। और पहले का मुझे नहीं पता था एनएसडी के बारे में, क्योंकि मैं तब का हिस्सा नहीं था। मैं 2006 से लेकर 2009 तक उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, मेरे दौरान किसी के अंदर मैंने ये चीज नहीं देखी। हाल ही में एक एक्ट्रेस का बयान बहुत सुर्खियों में था, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, कई डायरेक्टर्स, उन्होंने नाम लेकर कहा कि कुछ डायरेक्टर हैं और कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं, जब उनके एक्टर्स उनसे हैशिश क्या मांगते हैं, तो उनको बोलते हैं दे दो उनको, और दे दो क्योंकि परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा निकल कर आएगा। अच्छा, इस तरह की चीजें भी हो। पहली बात तो हैश क्या होता है मैंने कभी आज तक आंखों से देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाऊंगा आपको। हैश क्या चीज है मैं, मुझे पता ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत हो गई एनसीपी की बातचीत। मैं आपको अच्छा, एक बात और बताता हूँ। हाँ, संजय जी, हाँ, मेरा काफी सारा काम है जो मैंने दारू पिया हुआ कैरेक्टर, मैंने आज तक दारू को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आप मेरा वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर मैं कहीं से भी झूठ लग रहा हूं तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ, ये कभी इसने नशा किया था कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन तो भी एक चीज होती है ना, आप ऑब्जर्व भी तो करते हो। जी बिल्कुल, नहीं आपके बारे में देखिए, बहुत देर से मैंने यहाँ पे सामने रखा था, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, किसी ने लिखा था आपके लिए कि आप ग्रेट एक्टर हैं, किटी। सो, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है। ओके, आपने जो कई क्रीम लोगों के साथ काम किया, क्रीम टीम के साथ काम किया है, उससे हम बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे विशाल भारद्वाज की, उनके साथ आपने हैदर में काम किया था, हैदर में बहुत छोटा सा रोल था, और ऐसा ही आपने कारमा में, एक्चुअली आपने जितनी भी फिल्में की हैं सर, उसमें सभी में आपका बहुत छोटा छोटा रोल है, किसी किसी में एक सीन है, एक डायलॉग है। तो ये जाहिर सी बात है अपनी जगह बनानी है बॉलीवुड में, लेकिन जब आपको काम मिल रहा था एक सीन, तो आप ये सोचते थे कि थोड़ा सा बड़ा काम मिलेगा तो करूंगा, क्या सोच के एक सीन भी करते थे कि बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अपने आप को साबित भी करने का मौका मिलता है, अगर एक सीन भी मिल जाएगा तो मैं साबित करूं, क्या कुछ चलता था दिमाग में? देखिए, जब मैं मुंबई आया हुआ था, तब ये दिमाग में था कि मुझे काम करना है और बहुत काम करना है, रुकना नहीं है कभी। तो मैं ऑडिशन देता रहा और कोई मुझे पहचानता नहीं था यहाँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता था, उनसे बातें करता था और उनसे काम लेने की कोशिश करता और ऑडिशन देता था। तो मान लो एक सीन के लिए किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने बुलाया, तो मुझे लगता था बस शुरुआत करनी है कैसे, ताकि मुझे एज एन एक्टर लोग पहचाने और मेरे क्राफ्ट को समझे कि हाँ, ये एक सीन पुल कर सकते हैं तो पूरी फिल्म को भी पुल करने की इसमें क्षमता है। तो इस तरीके से मैंने कभी रिलेशन बनाने के चक्कर में या मानो इंडस्ट्री में अपने क्राफ्ट को या अपने ट्रेनिंग को साबित करने में, या मैं कितना एग्जिस्ट करता हूँ इस इंडस्ट्री में, उसको साबित करने के लिए कभी कभी मुझे छोटे छोटे काम करने पड़े। जब मैं आया था, हैदर हो या गब्बर इज बैक हो या ओके जानू हो, इस तरह की फिल्मों में मैंने एक एक सीन किया, लेकिन देखा कि मान लो कभी कभी मुझे कभी एक सीन की वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और 5 फिल्में और मिल गई मुझे। लेकिन जब छोटा होता था, लेकिन कभी कभी इस तरीके से देखा जाता, इसने छोटा सीन बहुत अच्छा से पुल कर लिया तो इसको छोटे सीन के लिए बुला लिया। पहले पहले मैं करता था बिकॉज ऑफ के मुझे अपने आप को साबित करना था या एक मुझे लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बनानी थी, लेकिन जब वो उसका रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तब मैं चॉइस करने लगा कि नहीं, अब मैं, पहले पहले बात अलग थी, अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को देख के, स्क्रिप्ट को देख के, कैरेक्टर को देख के आगे बढ़ूंगा। और सच बताऊं तो जिस तरीके लोगों को बिलीव होता रहा मेरे ऊपर,
उसी का ये गिफ्ट है या उसी के बदौलत मुझे पेपर चिकन या वेलकम होम जैसी मुझे फिल्म मिली जिसमें मैं मेन रोल पे हूँ और आज फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो रही है, मेरे लिए भी खुशी की बात है। और जिन्होंने मुझ पर बिलीव रख के इस फिल्म में मुझे लिया उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे पे ये बिलीव किया कि ये दो सीन कर सकता है तो ये पूरी फिल्म में भी लीड रोल कर सकता है। क्या बात है। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें एक सीन करने के बाद आपको 5 फिल्मों में काम करने का मौका मिला था, अब ऑफर मिला था? हाँ, जैसे गब्बर इज बैक है, गब्बर इज बैक में मेरा एक सीन है जिसमें मैं दारू पी के सुनील ग्रोवर के साथ मेरा एक सीन, तो उस फिल्म का रिस्पॉन्स मुझे आज तक आता है। गब्बर इज बैक किसी ने देख लिया तो फोन करता है, जबकि मेरा एक सीन है, मुझे कभी कभी लगता है एक ही सीन था, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों के लिए वो बहुत फन था सीन, वो बहुत अच्छा था और जो अपने लोग हैं वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद मेरे बहुत सारे फिल्मों से ऐसे एक एक सीन दो दो सीन के लिए आए, लेकिन वही मैंने बोला कि बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकता हूँ, नहीं तो फिर इसी कैटेगरी में मैं फंस जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे चैलेंज लेना होगा, काम को मना भी करना पड़ेगा। तो काफी सारे फिल्मों में मैंने एक सीन के लिए मना भी किया। कौन नाम बता सकते हैं? नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो फिर उस एक्टर के लिए अच्छा नहीं है कि जिसने किया या उस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन ये हुआ है और वो खुशी की बात भी है कि मैंने मना किया कि मैं इतना अपने आप पे बिलीव करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और करने की कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, कारवा तक तो आपका बहुत अच्छा नाम हो गया था, आप डाइनिंग हॉल में और जो थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं वो उसमें आप जाने पहचाने जाते थे, तो कारवा के दौरान एक सीन क्यों किया था आपने? कारवा करने के पीछे एक कारण था, जो उनका डायरेक्टर है आकर्ष खुराना जी, वो एक बेहतरीन इंसान है, डायरेक्टर तो बेहतरीन है ही, उनके साथ मैंने उससे पहले हाईजैक कर रखा तो उनके साथ एक रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्टर जैसे नहीं एक बिग ब्रदर जैसे, वो एक ब्रदर जैसे मेरे साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, जिसके तहत उन्होंने हक से बोला कि मेरे मेरे मैं एक दूसरी फिल्म करने जा रहा हूँ कारमा, उसमें दो सीन है तुझे करना पड़ेगा, और मैं वो एक ऐसे इंसान है मेरे लिए कि मैं उनको ना कर ही नहीं सकता। तो आपने हक से क्यों नहीं बोला कि मेरे सीन बढ़ाओ? हाँ, मैं वो टाइम भी आएगा, उनको मैं बोलूंगा कि मैंने आपके साथ काम किया है, आपके बोलने पे आप मुझे आप दो बड़ा काम, मैं तैयार हूँ और आपने तो मेरा काम देखा हुआ है, तब मैं हक से मांगूंगा, आएगा वो टाइम, उससे पहले मैं भी प्रूफ करके दिखाऊं उनको कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये दोनों फिल्म उनके लिए भी ये होगा कि हाँ बोलोराम को ले सकता हूँ, अभी वो इतना काबिल बन चुका है। आपके डायरेक्टर को भी मैंने बुलाया था आपके साथ, तो वो आ तो चुके हैं लेकिन उनका इंटरनेट बहुत खराब है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो अगर डायरेक्टर रतन सील जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको वाईफाई मजबूत वाईफाई में जाकर आना होगा, तब आप आ पाएंगे, आप मोबाइल के नेटवर्क से आ रहे हैं इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, या फिर मोबाइल का अच्छा 4G वाला बेहतर नेटवर्क होगा तब आप आ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको जोड़ने में सक्षम नहीं हूं। तो अगर उन्होंने सुना है तब तो ठीक है, नहीं सुना है तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं एक मिनट बता देता हूं उनको। जी 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 आप अपना नेटवर्क वाईफाई का नेटवर्क अगर अच्छा मजबूत होगा तभी आपको मैं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि आपको मैं देख तो पा रहा हूं लेकिन चूंकि आपका नेटवर्क बहुत कमजोर है वाईफाई का, इसकी वजह से मैं आपको अपने स्टूडियो में जोड़ नहीं पा रहा हूं, तो डायरेक्टर जी को आप बता दीजिए, क्योंकि वो फिर से मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज कनेक्टिविटी उनकी इंटरनेट की ठीक नहीं है। हाँ, तो मैंने बता दिया। तो इरफान खान के साथ बातचीत करने का कितना मौका मिला,
हैदर के दौरान भी और कार्मा के दौरान तो शायद आप लोगों के सीन नहीं थे, तो क्या सेट पर कहीं पर मुलाकात हुई थी, क्योंकि इरफान तो थ्रू आउट थे फिल्म में? जी, मैं कारवा के दौरान उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि हमारे जो सीन थे वो दोनों फोन कॉल पे थे, तो उनका सीन अलग से शूट हुआ, मेरा अलग से शूट हुआ। लेकिन हैदर के दौरान जब हम डल लेक के सामने शूट कर रहे थे बंगलों में, तो सेम लोकेशन पे मेरा भी शूट था, उनका भी था, तो वो बाहर चाय पी रहे थे गार्डन में, तो मैं जाके उनके सामने बैठ गया और मेरा परिचय दिया उनको कि मैं बोलोराम दास हूँ, आसाम से हूँ सर, और मैं भी एनएसडी से ग्रेजुएट हूँ। तो खुश हो गए कि अरे वाह बढ़िया, आओ बैठो। तो हमने चाय पी बहुत, डेढ़ घंटा दो घंटा, क्योंकि सेट लग रहा था अंदर, तो हमें दो घंटे के करीब टाइम मिल गया था और हमने काफी गुफ्तगू की। और सच में मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानूंगा कि उनके सामने, उनके समक्ष बैठते हुए बातचीत करते बहुत सारी चीजों की जानकारी हुई, और बातों बातों में मुहावरे देके बात करना, एक अलग ही पोएटिक अंदाज में बात करना, और सच में मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ टीना दोनों ही अभिनेता है, और दोनों ही बहुत मिस करते कि एक बार अगर उनके साथ अच्छे से स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता तो हम शायद, हमारे लिए वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होती। और मैंने एक फिल्म साइन भी किया था, आपके इन्फॉर्मेशन में बोल दूं कि विशाल सर के साथ मैंने एक फिल्म साइन किया था, रानी नाम था उस फिल्म का, जिसमें दीपिका पादुकोण और इरफान सर थे मेन रोल पे, और उसमें मैं एक अहम किरदार निभा रहा था। उसका स्क्रिप्ट रीडिंग भी शुरू हो गया था और मीटिंग भी शुरू हो गई थी, और उसी दौरान इरफान सर बीमार पड़ गए और वो फिल्म बनते बनते रह गई। अब मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा कि एक मौका मिलते हुए भी मैं उससे वो रह गया, अछूत रह गया मतलब उससे। इस रानी फिल्म का हुआ क्या, क्या अब आपसे बात होती है विशाल जी की कि बनाएंगे, क्या होगा आगे? जी, मैं जब मैं मीरा नैयर जी के साथ मॉनसून वेडिंग म्यूजिकल प्ले कर रहा था, उसी दौरान म्यूजिक के लिए विशाल सर आए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा था सर उस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, आप उसको सोच रहे हो करने का? तब तक इरफान जी जीवित थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं ये फिल्म इरफान के साथ ही बनाऊं और इरफान जी ठीक होकर आए और हम लोग ये फिल्म शुरू करें। तो मुझे नहीं लगता सर कभी भी किसी और को बारे में, और के बारे में सोच सकते उस किरदार को लेके, क्योंकि वो उन्हीं को लेके वो फिल्म बनाना चाहते थे, वो उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो मुझे नहीं लगता वो फिल्म कभी बनेगी, मेरे लिए वो मेरे सपनों में ही वो फिल्म रह गया। तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट इरफान सर के साथ नहीं सही, लेकिन मैं विशाल सर के साथ आगे और कुछ बड़ा काम कर पाऊँ। ओके, इसके अलावा आपकी दो और फिल्में हैं जो रिलीज के लिए तैयार हैं, एक ओम, और ओम के डायरेक्टर को इससे पहले नेशनल अवार्ड मिल चुका है उनकी फिल्म के लिए, और दूसरी फिल्म है मैडम चीफ मिनिस्टर। ये जो दूसरी फिल्म है इसके बारे में मीडिया में लिखा गया है कि मायावती की के पर बेस्ड है, मायावती हाँ इंस्पायर्ड है या बेस्ड है, इन दोनों फिल्मों के बारे में बताइए कि क्या है इनकी रिलीज का, क्या काम बाकी है, क्या बड़े पर्दे का वेट कर रहे हैं? जी जी, दोनों ही फिल्म थिएटर रिलीज के लिए बनाई गई थी। मैडम जी चीफ मिनिस्टर रिलीज होने वाली थी 17 जुलाई को, जून या जुलाई को, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गई। तो अभी मुझे लेटेस्ट अपडेट अभी तक नहीं मिला है कि उस फिल्म को थिएटर रिलीज कर रहे हैं क्या ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस फिल्म में भी मेरा अहम किरदार है, और होप आप लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि काफी पॉलिटिकल थ्रिलर है वो, और जिसके लिए सुभाष कपूर जी जाने जाते हैं, और वो पत्रकार भी रहे हैं पुराने पॉलिटिकल पत्रकार, तो उनके नॉलेज में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पॉलिटिक्स को लेके, तो इसके ऊपर फिल्म बनाना। और उसके बाद जो ओम है, ओम भी एक सरताज सिंह पन्नू जी की डायरेक्शन में बनी हुई है, उन्होंने इससे पहले नानक शाह फकीर बनाया था जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, तो ये फिल्म तो है ही, लेकिन मैं अभी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ पेपर चिकन और दूसरी फिल्म जो मेरी है वेलकम होम। पेपर चिकन इसीलिए भी क्योंकि पेपर चिकन मेरे लिए और रतनशील शर्मा जो इस फिल्म के डायरेक्टर है जो हमारे साथ अभी जुड़ गए, तो हम दोनों के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है क्योंकि असम से हम दोनों ही हैं, और दोनों असम
से ये फिल्म एक यूनिक असम से लेके इस फिल्म को बनाना और उसको एक मेन स्ट्रीम ओटीटी प्लेटफॉर्म तक लेके आना हमारे लिए चैलेंजिंग बात थी और आज हम उस मुकाम तक आ पहुंचे और 6 तारीख को ये रिलीज होने वाली है तो पूरा वर्ल्ड ये फिल्म देखेगा और होप के हमसे इंस्पायर्ड होके वहां और सारी हिंदी फिल्में बने असमीज फिल्म में तो बन ही रही है और ग्लोबल लेवल पे काम बेसिकली। बिल्कुल बात करेंगे पेपर चिकन की और अगली फिल्म की अभी आपकी, लेकिन आजकल हम जब घर से काम कर रहे हैं हम सभी लोग अधिकतर काम, तो हम ना वीडियो पे बातचीत के दौरान उसकी एडिटिंग पर भी ध्यान रखते हैं, तो इसलिए मुझे ओम की बात खत्म करनी है क्योंकि इसके काउंटर्स बहुत अलग अलग हो जाएंगे जब मैं बात एडिट करूंगा तो मुझे एडिटर साहब समझ गया है, रतन जी समझ गए, मैं समझ गया ना टीसी काटना होगा तो हम बात कर रहे थे कि ओम की बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए, मैं तब तक रतन जी आपको बैक में रख रहा हूं और इनसे मैं ओम और उसकी बात खत्म करके आपको वापस ले लूंगा और आपका स्वागत है ना, तो आप रहिए लाइन पे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि ओम किस बारे में बात करती है क्योंकि उनकी जिन जिस डायरेक्टर की फिल्म है उनका विषय हमने देख लिया है कि पहली फिल्म उनकी जो थी वो नेशनल अवार्ड ले जाती है और उनका विषय एकदम अलग था, बहुत विवाद हुआ था उस विषय में कि क्या दिखाना है, परछाई दिखाना है, बहुत कुछ था उसमें, तो ये फिल्म किस तरह की है? ये फिल्म एक रिवेंज स्टोरी है, ये थोड़ी सी फिक्शन है, वो बायोग्राफी थी और ये फिक्शन फिल्म है, थोड़ा कमर्शियल एंगल पे ये फिल्म बनाई गई है क्योंकि जब आप नेशनल अवार्डी होते हो तो आपसे काफी उम्मीदें बढ़ जाती है कि आप उसी तरीके से फिल्म बनाने जा रहे हो कि कुछ अलग फिल्म बनाने जा रहे हो, तो जैसे ही आप नेशनल अवार्ड विनर होते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो ये फिल्म भी काफी उन्होंने थोड़ा कमर्शियल एंगल मतलब रख के एक रिवेंज स्टोरी एक फिक्शन स्टोरी को रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया है और ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका मैं बड़े भाई का किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, मेरा भी एक अहम हिस्सा है फिल्म में, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि फिल्म कब आए और मैं भी खुद से देखूं कि हाँ फिल्म ऐसी बनी है, तो अभी तक मैंने अपने से भी देखा नहीं है वो फिल्म, तो आपसे उस डिटेल में उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने किरदार को लेकर इतना श्योर हूँ कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट रोल है और काफी इमोशनल और काफी सेंटिमेंटल रोल है, सो एक अलग अवतार में आपको मैं दिखाई दूंगा, पेपर चिकन में बिल्कुल अलग अवतार में दिखाई दूंगा और वेलकम होम में बिल्कुल अलग अवतार में दिखाई दूंगा। मैडम चीफ मिनिस्टर में क्या किरदार है आपका, यदि आप बता सकते हैं, आपको आजादी हो प्रोड्यूसर से तो बताइए। बेसिकली ये फिल्म इंस्पायर्ड बोला जा रहा है अपना मायावती जी के ऊपर, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कंफर्मेशन है नहीं क्योंकि मुझे डायरेक्टर सर ने कभी ये नहीं बोला कि मैं ये मायावती जी के ऊपर फिल्म बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर कोई पता नहीं है, लेकिन उड़ते उड़ते खबर आई है या सुना है मैंने कि क्योंकि मुझे पूरी फिल्म में मैं हूँ नहीं, मैं इंटरवल तक ही हूँ फिल्म में बस, तो ये उनकी जो गुरु जी है काशीराम जी उनके जो राइट हैंड है, ये एक थोड़ा फिक्शनल कैरेक्टर है शायद मुझे ऐसा लगता है, तो उस किरदार पे मैं हूँ और काफी दिन हमने शूट किया लखनऊ में और यहाँ वाई में शूट किया हमने, तो काफी अच्छी बनी है फिल्म जो मेरे सामने जितने भी हमने शूट किया, तो उस फिल्म को लेके भी मैं काफी पॉजिटिव हूँ, काफी उत्साहित हूँ। चलिए अब जोड़ लेते हैं डायरेक्टर साहब को और आपका म्यूट है, एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ तो डायरेक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी पहली दूसरी फिल्म है ना, पहली फिल्म है ना फुल लेन हिंदी पहली फिल्म है ना, पहली हिंदी फिल्म आपकी अच्छे बड़े पैमाने पर रिलीज हो रही है और उसकी चर्चा भी, नाम बहुत खूबसूरत है, हमने नाम को लेकर सर से बात कर ली, मेरे को ना आप लोगों का बैकग्राउंड क्या आप लोगों ने फिक्स किया था हम लोग ब्लू में जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था बट ब्लू बाय डिफॉल्ट हो गया। हाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मैं इनफैक्ट बोलने ही वाला था और कलर्स कितने अच्छे लग रहे थे आप रेड में और येलो ब्लू बिल्कुल अच्छा। हाँ वही मैं देख रहा था, एक मिनट इसको ठीक करते हैं स्टूडियो को, आग डाक सी है तो
ब्लू ब्लू वो डार्क फील दे रहा हाँ, नहीं हाँ नहीं आ रहा हूँ मैं सोच रहा था कि मैं अगर बीच में आऊंगा तो दो ब्लू आगे पीछे आएंगे हाँ, ओके बैलेंस हो जाएगा लेकिन चलिए रतन जी आपकी जर्नी कैसी रही इस फिल्म को बनाने की जब सिंगल प्रोड्यूसर होता है कोई तो बहुत कुछ दांव पे लगा होता है आपका पैसा आपका पूरा टाइम आपकी कहानी आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है और फिर कलाकारों का चयन होता है एक एक लोगों की डेट लेना बहुत मुश्किल होता है इस समय तो हाँ कौन कौन से कलाकार कैसे कैसे साइन किए और किस किस के क्या क्या नखरे थे आप जितना बता पाए और कैसे बनाई ये फिल्म आपने बेसिकली देखिए ये फिल्म बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था मैं जब चंडीगढ़ में था तो ये बेसिकली मैंने फिल्म लिखा था तो उसके बाद इसको डेवलपिंग प्रोसेस में बहुत सारे लोग जुड़े तो इसको बहुत अच्छे से और फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर हम इससे अच्छे से इसको स्क्रिप्ट हमने इसको डेवलप किया और करते करते हम मेरे दिमाग में आ रहा था कि कौन किसे किसे लिया जाए किसके साथ हम इसको कैरेक्टर्स को किया जाए तो बोलाराम को मैं किसी एक फिल्म के प्रीमियर में हम लोग हमें पहचान हुई अंतर इनके प्रीमियर में तो इनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके बारे में जब मैं देखता हूँ मुझे कुछ लगता है कि ये बहुत कुछ हो सकता है इनसे तो इनका जो ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है अभी भी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत अच्छे इंसान है तो इनसे बातचीत होने के बाद जब भी मैंने लिखा तो मेरा सच में बोल रहा हूँ कि बोलोराम के अलावा दिमाग में आया ही नहीं कुछ कि ये कैरेक्टर कोई और करे तो जब भी मैंने ऐसे ही अनऑफिशियली बोलोराम से बात किया कि हाँ हम कैसे कर सकते तो बोलोराम भी एक्साइटेड रहा तो फिर इसी तरह वो बोर्ड हुआ फिर दीपानिता जी से भी इसी तरह से हम बात किया कि हाँ कैसे उनको ये कर बेसिकली हम सारे आसाम से तो वो एक मेरा मतलब इजी एक्सेस हो गया सबके साथ तो बाकी तो धीरे धीरे बनता गया सारी चीजें आज मुझे पता चला कि दीपानिता ने जानू बरुआ ने उनको अपनी फिल्म में हीरोइन क्यों साइन किया था मतलब वो कनेक्शन है आपको पता है जानू वर्मा ने एक फिल्म की थी हर पल नाम था उस फिल्म का वो फिल्म कभी बनी नहीं राकेश रोशन उसके प्रोड्यूसर थे तो उसका मुहूर्त हुआ था ग्रैंड हयात में तो दीपानिता उस फिल्म की हीरोइन थी लीड प्रीति जिंटा के साथ वो फिल्म बनी नहीं समझ आ गया आपको हाँ आज मेरे को समझ आया है कि दीपानिता को जानू भरवा सर ने क्यों लिया था ओके ओके हाँ सर तो सिंगल प्रोड्यूसर आप हैं फिल्म के तो फिर कैसे बात आगे बढ़ी जब हाँ जी प्रोड्यूसर हमारे जमान साहब है जो बहुत ही दूसरे बिजनेस में है बगैर मेरे से जानकारी में वो किसी तरह आए फिर जब उनका देखा फिल्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मतलब मैं क्या बताऊँ जो फिल्मी कीड़ा उनको काटा हुआ है तो वो जब भी बात करते फिल्मों के बारे इतने डिटेल बात करते तो मेरे से वो सिंक हो गए पूरा कि हाँ फिर जाके धीरे धीरे हमने बात करना शुरू किया फिर ये प्रोजेक्ट डेवलप उनका लगा कि हाँ इसमें हम बात कर सके तो फिर हम ये सारे उनका भी सपोर्ट रहा पूरा फिल्म में तो इसी तरह हमने इसको बनाया पूरा इंडिपेंडेंटली तो जब आप इसके लिए प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे थे तो आप लोगों ने क्या पहले इसको ये तय किया था कि ये बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और क्या डेट फाइनल हो गई थी जी जी नहीं बिल्कुल हमारे दिमाग में ये था कि हम इसको मतलब डिजिटली रिलीज करेंगे बिकॉज बड़े पर्दे का जो गेम होता है थोड़ा अलग होता है ये आपको भी पता होगा कि हमें उतना हमारा रीच नहीं है या हम उतना एक्सेस नहीं कर सकते तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इवन मैं जब असम में जो मेरा पहला फिल्म रिलीज हुआ था उसमें भी मतलब मैंने देखा कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हिंदी फिल्म में तो ऑब्वियसली बहुत होगा तो मैंने दिमाग में रखा था कि यह डिजिटल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जा सकते हैं हमारा कहानी हम बता सकते हैं उसमें इजीली तो मैंने पहले से दिमाग में था कि हम डिजिटल में ही जाएंगे बट कहाँ पे जाएंगे कैसे जाएंगे ये डिसाइडेड नहीं था बट हम प्लान कर रहे थे इसको डिजिटली तो आप कई जगह गए थे ओटीटी प्लेटफॉर्म में सब जगह गए थे आप कि हमको हमारी फिल्म आप लोग की बहुत जगह तो हमने अप्रोच नहीं किया मतलब हम लोगों को कुछ एक जानकार थे तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया तो और इसमें हमारा जो अच्छे ब्रदर है शील आदित्य बोरा मैं उनका नाम जरूर लेना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत मतलब हमको गाइड करते हैं हमें इंस्पायर करते हैं वो भी आसाम से ही है तो उन्होंने हमें गाइड किया किस तरह से इस फिल्म को बनाना है इसको आगे कैसे लेके जाना है क्योंकि वो बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है वो जानते हैं बहुत कुछ फिल्म के बारे में और हर वक्त हमें गाइड करते रहता है तो उनसे मैं सच में उनसे मैं हर दिल से इनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म को आगे ले जाने के लिए आप बेसिकली आप एडिटर हैं है ना
जी जी बिल्कुल जी जी तो कहते हैं कि जो फिल्म फाइनली बनती है वो एडिट उस पे बनती है, एडिट टेबल पे बनती है। जी जी इसको आप समझा सकते हैं? देखिए फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ते हैं बहुत, और एक फिल्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें हर एक आर्ट फॉर्म का मिलाप होता है। तो बेसिकली हम शूटिंग में सारे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और जोड़ते हैं एडिटिंग में, और कहानी भी वहीं बनता है। बेसिकली स्क्रिप्ट दो बार लिखा जाता है, एक तो हम जब पहले फिल्म स्टार्ट करने से पहले, और दूसरी बार जब हम एडिट पे बैठते हैं, क्योंकि कहानी टोटली अलग हो जाती है। इस फिल्म में भी ऐसा हुआ, हमने बहुत सारी पहला जो हमने कट्स निकाला वो एक अलग कहानी था, और दूसरे कट्स में हम इसको टोटली नरेशन हमने चेंज कर दिया। और दूसरी बात बलोराम को भी पता है, हमने इसका तीन एंड शूट किया था, तीन 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 ऑप्शन रखा था। तो तीन ऑप्शन में से हमें जो एंडिंग जो तीन ऑप्शन में से जो ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा था फिर हमने इसको फाइनल किया है। तो एक ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, पहली बार मैं ये किया। तो वैसे एडिटिंग मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वहाँ उस रूम में बैठ के हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उसको परफॉर्मेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहानी को कंट्रोल कर सकते हैं, एक अलग तरीके से हम बता सकते हैं। तो वो बेसिकली मेरा तो एडिटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ एडिटिंग से, तो क्योंकि वही मेरा सब कुछ दिखता है फिल्म एग्जैक्टली कि क्या बनने जा रहा है, क्या हो रहा है। क्या बात है। अच्छा बलराम जी के अलावा और दीपानिता के अलावा और कौन कौन से कलाकार हैं जिनको हम जानते पहचानते हैं कि सारे आसाम बेस्ड है सारे? बहारुल इस्लाम करके हमारे और एक है रवि शर्मा, वो भी आसाम से, मगर बहारुल इस्लाम भी अब ये भी हम नेशनल प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं वो, और मनोज बोरकटी की है और पद्मराग है, तो इस तरह के सारे आसाम से है, बट अच्छे हम सब अपने अपने जगह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बोलो। चलिए डायरेक्टर जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, और आप और भी फिल्में बनाएं, ऐसे ही आसाम का नाम रोशन करें, वहां के लोगों के साथ फिल्म बनाएं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो फिल्म स्टूडियो है, जो जैसे बॉलीवुड है वहां पर भी आसाम फिल्म इंडस्ट्री है, वो खूब प्रोग्रेस हो, और वहां की सभी जो आसाम है या नागालैंड है या वहां मिजोरम या वहां से कम फिल्में वहां बनती हैं, लेकिन है वहां पर कहानियां और कलाकार भी वहां पे बहुत अच्छे अच्छे हैं बलराम सर जैसे। थैंक यू सो मच आपसे। अच्छा इसके बाद क्या बना रहे हैं, कहानी रेडी हो गई क्या अगली फिल्म की आपकी? कहानी तो बहुत सारे है, अभी देखते हैं किस पे काम करना चाहिए, प्रोड्यूसर साहब किस पे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो बलराम सर को आप आगे कास्ट करेंगे तो साइन कर लो आप। वही तो बोल रहा हूँ, बलराम के अलावा अभी सोचना मुश्किल पड़ रहा है कि वो मतलब इतना बढ़िया है, इतना मतलब सच में मैं बता नहीं सकता, इज अ ब्रिलियंट ग्लैड ग्लैड थैंक यू सो मच रतनदा, एंड आई विश मुझे रतनदा जब भी हमें संजय जी आपको बोलना चाहूंगा, रतनदा जब भी मुझे याद करेंगे मैं अनकंडीशनली उनके साथ काम करूंगा, ये बिल्कुल तय है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं रतन जी, थैंक यू थैंक यू। तो सर मैं आपसे मीरा नायर के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये फिल्म आपके हाथ कैसी लगी, सुटेबल बॉय? बेसिकली मैंने उनके साथ एक काम किया था मॉनसून वेडिंग, जो उनका म्यूजिकल प्ले था, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मॉनसून वेडिंग, आपको पता ही होगा वो फिल्म बहुत प्रचलित फिल्म है सबके बीच में, और उसी का उन्होंने नाट्य रूपांतर किया था, उसको एडप्ट किया था एक म्यूजिकल प्ले। तो हमने उसे दिल्ली में जाके डेढ़ महीने में बनाया था, उसका 5 शो किया था हमने दिल्ली में ही ब्लैक बॉक्स थिएटर में, और उसके बाद उनके साथ मैं डेढ़ महीने काम करने के बाद उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, काफी उनके साथ बातें हुई, और उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं तुमको याद करूंगा, तो मैं क्या याद करूंगी, तो मैंने बोला अरे आपके साथ काम करने को मौका मिले और मैं मना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर कट्टू उन्होंने एक डेढ़ साल बाद ये बीबीसी के लिए उन्होंने ये सीरीज अनाउंस की, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि काफी ये बीबीसी के लिए बना रहे हैं, तो सारे ब्रिटिश एक्सेंट वाले मैं एक्टर्स को ज्यादातर ले रहा हूँ, तो इसमें से एक छोटा किरदार है बोटमैन का, उनका एक सॉन्ग है पूरा उसमें सीक्वेंस में, और वे बहुत विजुअली बहुत अच्छा एक सीन के साथ मैं तुमको प्रेजेंट करना चाहूंगी। तो यहाँ वही फिर से आ गया था ये सवाल के मेरे सामने
कि एक सीन का ये किरदार है मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सवाल आया था मेरे में, बट सामने कौन है ये आपको देखना पड़ता है। जो ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर हो उनको मैं मना करूँ ये इतनी मेरी हिम्मत है नहीं। तो यस मैंने हाँ किया और एक छोटा सा किरदार में मैं आपको सूटेबल बॉय एपिसोड नंबर 2 में दिखाई दूंगा, शायद ऐसे चला जाऊंगा एकदम से। बट तो आपको इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला और लोगों के साथ जो और थे उनमें, आपका सीन अकेले शूट हुआ? नहीं नहीं, जो उसमें मेन किरदार कर रहे हैं जो लड़की, उनका नाम मैं नहीं जानता, वो और जो लड़का, तीन लड़के उसमें एक लड़का, उन दोनों के साथ मेरा सीन था। और मीरा नायर जी के साथ तो मैंने 1.5 महीना वो मॉनसून वेडिंग में काम किया ही था, तो काफी इंटरेक्शन उस दौरान उनके साथ हुई। ओके, तब्बू के साथ आपके, शी इज ब्रिलियंट, मतलब डायरेक्टर वाइज नहीं, जो इंसान भी एकदम बच्चों की तरह, एकदम अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे और मतलब उसी तरीके से कंफर्टेबल हो। मीरा नायर जी का नाम जिस तरीके से हमने सुना, बचपन से देखा हुआ है उनका काम, तो उनके साथ काम करना भी एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था मेरे लिए। चलिए, बहुत अच्छी आपने अपना एक्सपीरियंस बताया और बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनने को मिली और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। आने वाली आपकी 2 फिल्में हैं, आपने कुछ साइन किया है आने वाले समय के लिए इन दिनों? जी मैं दो एक प्रोजेक्ट मेरा लाइनअप है, बट यही है कि वो कब शुरू हो रहा है ये थोड़ा सा डाइसी हो रखा है, क्योंकि कुछ है जो आप बाहर शूट करने जा रहे हो बॉम्बे से, तो परमिशन और मिशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसी का इंतजार है। हाँ, लेकिन मैं जनवरी में एक शूट करने जा रहा हूँ जो असमिस फिल्म है, असम में ही शूट करने जा रहा हूँ, वो 20 तारीख से मेरा शूट शुरू है असम में। क्या बात है, असम में शूट हो रहा है तो सबसे अच्छी जगह ऐसा लगता है। अभी जी, हमने जी, वो उसमें देख लिया ना, हो जाता है उसी दौरान। और रंगून में हमने असम का एक अलग ही रूप देखा है, मतलब बहुत खूबसूरत, अनएक्सप्लोर्ड, ब्यूटीफुल। आप आए हो कभी असम? नहीं सर, बुलाओ आप मेरे को शूटिंग में। आपके पहचान के एक अभिनेता भी उधर रहता है, तो बिल्कुल आओ, फोन कीजिए, आइए, बिल्कुल असम में आपका स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली सभी फिल्मों के लिए, खास तौर से ये 2 फिल्में जिसमें आप लीड में नजर आएंगे, पेपर चिकन और दूसरी वेलकम होम। वेलकम होम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजय जी सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमको भी सर, थैंक यू, हमारा सौभाग्य सर। थैंक यू।